गाइस वेलकम टू एम लाइफस्टाइल। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। गाइस आज जो है वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ये देखिएगा। ये मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। और ये जो है ये उनकी जो ग्रेव है, ये देखिएगा, ये ग्रेव है उनकी। इसके ऊपर मैं जो हूँ वो लगाती हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ इसको एक मिनट ऑन करके कि किसका क्या सिस्टम है। ये देखिएगा इस तरह से ये ऑन होता है, बड़ा खूबसूरत लगता है। मैं आपको लगा के वहाँ पे दिखाती हूँ, बहुत ही अच्छा लगता है। मैं आप लोगों से एक और बात भी शेयर करती हूँ कि मैं जिस वक्त सिम्बा, बहुत सारे कमेंट्स आए, बड़ी खुशी हुई, आप लोग हमारे दुख में शरीक हैं। और आप लोगों को मैं बताती हूँ कि जिस दिन सिम्बा ने जाना था, पता था कि चला जाएगा, लेकिन डॉक्टर ने भी कहा कि इसको इंजेक्शन लगवा दें, नींद में सुला दें, लेकिन हिम्मत नहीं हुई, हिम्मत बिल्कुल नहीं हुई। ये था कि चलो जितनी देर है, 2 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे, 1 रात साथ रहे, क्योंकि ऐसे कैसे कोई कह सकता है कि हाँ जी आप जो हैं वो लगा दें, आप जो है इंजेक्शन लगा दें, हाँ जी ठीक है नींद में सुला दें, ऐसे कैसे कह सकता है। अपने सामने ऐसे नहीं हो सकता, खुदा की तरफ से मौत आ जाए वो एक अलग चीज़ है। बस इसी वजह से मैंने ये चीज़ नहीं कही थी। और जो है ना, पूरी पूरी रात जाग कर हमने उसकी केयर की है, बाहुबली की, सिम्बा की। सिम्बा को तो बहुत ही किया क्योंकि हमें पता था उसकी तबीयत का। और जो बाहुबली था उसका ये सीन था कि हमें बिल्कुल पता नहीं चला और वो चला गया, बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। लेकिन जब हमने उसके टेस्ट करवाए हैं, वो टेस्ट वाले, वो रिपोर्ट्स भी उन्होंने नहीं भेजी टाइम पे, उसके अगले दिन ही उसकी डेथ हो गई, लेकिन रिपोर्ट्स भी उन्होंने टाइम पे नहीं भेजी। वो टाइम पे रिपोर्ट्स भेज देते तो सिम्बा आज ज़िंदा होता। हमें नहीं पता था इस चीज़ का कि वैक्सीन लगवानी बहुत ज़रूरी है, इससे डेथ भी हो सकती है। ये ज़रूर पता था कि वायरस वगैरह फैल जाता है फिर, लेकिन ये नहीं पता था कि डेथ ही हो जाती है। अगर ये चीज़ ये मनहूस लोग, ठीक है, पता नहीं खुदा का खौफ नहीं है इनको, उन्होंने हमें बिल्कुल भी जो है वो नहीं भेजा। वो अगर भेज देते, हमें अंदाज़ा होता, हम उसी वक्त सिम्बा को लगवाते वैक्सीन। और दूसरी बात, एक डॉक्टर, वो डॉक्टर भी ऐसा डॉक्टर था कि वो, उसको भी मैं क्या कहूँगी, खुदा खौफे नहीं थी कि वो बताता कि वैक्सीन लगवानी बहुत ज़रूरी है, प्लीज़ आप लगवा लें। बहुत 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 गलत इन लोगों ने किया, वरना आज सिम्बा तो हमारे साथ होता, एटलीस्ट सिम्बा। खुदा जब कोई ईमानदारी से अपने काम को नहीं निभाता ना, तो खुदा उससे पूछ करता है, तो उस पूछ से हमें डरना चाहिए कि खुदा हमसे वो पूछ ना कर ले। दोनों बच्चे हमारे चले गए, और कल मुझे इतना ज़्यादा अफसोस हुआ कि कहा जाता है कि खुदा ने हमें अपनी शबी पे बनाया, नो डाउट बनाया, अपना दम फूक है, हमारे में रूह है वो वाली। लेकिन जो है, मुझे तो यही पता था कि जो एक रूह होती है वो आसमान पे जाती है मरने के बाद, लेकिन ना जो एनिमल्स होते हैं उनका मैंने सुना है कि उनकी कोई भी रूह नहीं होती, क्योंकि खुदा ने इंसानों में रूह फूंकी है लेकिन एनिमल्स में नहीं। दैट्स वाई जो है हमारे बच्चे वो खुदा के पास नहीं गए, लेकिन खुदा के हाथ में सब कुछ है। मामा कहती हैं कि मैं खुदा से दुआ करूंगी कि खुदा के हाथ में सब कुछ है, खुदा हमें फिर से क्रिएट करके जो है वो दे देगा हमारे बच्चे। लेकिन
जो कंसेप्ट है वो मैंने जब सुना तो मैं बहुत ज़्यादा दुखी हुई इस चीज़ से और दिल टूटा मेरा। लेकिन चलो, अगर मामा का ये मानना है और मामा की ये जो है थिंकिंग है और उनको लगता है कि ऐसा हो सकता है तो हो जाएगा। किसी भी चीज़ में ना नहीं कहनी चाहिए, खुदा सब कुछ कर सकता है। और दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, एक चीज़ ये देखिएगा, ये ऐसे हमने बलून लगाए हुए हैं और नीचे फ्लावर्स लगाए हुए हैं। ये बाहुबली और सिम्बा की ग्रेव है, ये देखें। अभी जो है बारिश हुई थी तो थोड़ी सी ये लेवल हो गई है, तो इसको हम ऊंची कर देंगे और उसके बाद फिर से मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और मैं आप लोगों से यही कहूंगी कि अगर जिनको नहीं पता, जिनके पास एनिमल्स हैं, उनको वैक्सीन लगवाएं ताकि जो हमारे साथ हुआ वो आप लोगों के साथ ना हो। डॉक्टर्स लूटने वाले लोग हैं, सिर्फ लूटते हैं और जो है सही इंफॉर्मेशन नहीं देते। ये जो है ये शाहजहाँ जी कहती हैं कि ये चौकीदार है, उनका रखवाली करता है मूछों वाला। तो हम इस चीज़ से हंसते भी हैं, थोड़ा खुश भी होते हैं, थोड़ी सी मुतमईन होता है दिल। तो बस यही आप लोगों को बताना था। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, और जिन्होंने भी मैसेज किया उनके लिए थैंक यू। ओके, खुदा हाफिज़, अगले व्लॉग में मिलेंगे।